मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए। परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए आज के वचन अध्ययन के लिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ें। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वे जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। उर्दू में पढ़ेंगे, इस्तिस्ना 4वां बाप उसका 9वां वचन। सो तुम जरूर ही अपने एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, तो ना हो कि तुम वो बातें जो तुमने अपनी आंख से देखी है भूल जाओ और वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिल से जाती रहे, बल्कि तुम उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। हम आज जिस विषय को ध्यान दे रहे हैं, हम एक विश्वासी की उन नजरों के बारे में, आंखों के बारे में ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के किए हुए कामों को ध्यान से देखना है, ताकि उनमें से जो पाठ सीखना है उसको हम सीख सकें। परमेश्वर ने इसराइल की प्रजा को अपना खुद की प्रजा के तौर पर चुना था, और परमेश्वर चाहता है कि उनको वो बातें सिखाए कि वो कैसे चल सके, ताकि यदि चलेंगे तो ही वो उसके जन कहलाएंगे। हम जानते हैं जब मनुष्य अदन बगीचा से बाहर निकला तो वे ही सोच के साथ निकला कि मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा है और अपने बल पर घमंड करते हुए निकला। लेकिन हमें मालूम है जैसे समय बीता उसका ज्ञान और उसका बल उसको विनाश की ओर ही पहुंचाया। लेकिन अब परमेश्वर इसराइल जो चुना हुआ वंश है, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आज्ञाओं को माने और जो रास्ता वो दिखाए उस पर वो चले। उनके विश्वास को प्रभु बलवंत करना चाहता है। इसी कारण परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने अजीब और अचंभे काम भी किए। हम देखते हैं जब इसराइल की प्रजा परमेश्वर के रास्तों में चली, वो जय के साथ आगे बढ़ी और आसपास के अन्य जातियों के लिए वो प्रोत्साहन का कारण बने, आशीष का कारण बने। लेकिन जब कभी वो परमेश्वर के मार्गों से भटक गए, वो अपने पापों में ही बर्बाद हुए, और ये बार बार इस बात को प्रकट किया कि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर की नजरों में मूर्खता है। परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने जो सिद्धांत रखे वो बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि अगर वो इन सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेंगे तो वो वायदे किए देश को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के मार्ग हमेशा अपने चुने हुए लोगों की भलाई के लिए ही है, और परमेश्वर चाहता है अपने चुने हुए प्रजा के द्वारा दूसरों को सिखाए, बातें प्रकट कर दे। इसराइल के लोग अन्य जातियों के बीच में रहते थे जिनके अपने ही देवताएं और मूर्तियां थे, और उन लोगों के पाप असहनीय थे कि परमेश्वर का सजा उन पर गिरा। उदाहरण नूह के समय में किस प्रकार परमेश्वर ने जल प्रलय से लोगों को नाश किया। उसके बाद सोदोम गोमरा पर परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाकर कैसे उस शहर को नाश किया। अब परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा इन लोगों के बीच में एक गवाह के तौर पर रहे, ताकि लोग समझ सके परमेश्वर पर भरोसा करके चलने वालों का मार्ग होता कैसे है। परमेश्वर ने जो सिद्धांत लोगों को दिए, जो व्यवस्था दिए थे, वो उनके जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है। क्यों? ताकि जैसे परमेश्वर पवित्र है वो भी पवित्र जीवन बिताए, पाप से नफरत करे, धार्मिकता को प्यार करे और पवित्र जीवन बिता सके। और ऐसे करेंगे तो ही परमेश्वर उनके बीच में वास कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कैसे बार बार इसराइल की प्रजा आस पड़ोस के जातियों के स्वभाव से प्रभावित हुई और उनके रास्तों में चले जिन रास्तों से परमेश्वर नफरत करता था।
इसराइल के लोगों ने परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवनों में देखा है और जो बात कभी सोच नहीं सकते थे उन चीजों को अनुभव किया, लेकिन वो भूल गए जो बातें उन्होंने देखी और जिसके कारण वो नाश भी हुए, बर्बाद हुए। लेकिन जब ये आयत लिखा गया, अब ये समय आया है कि वो वायदे किए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा उन्हें चौकस कर रहा है कि ध्यान रखें कि जो जो बातें उनकी आंखों ने देखा है उन्हें ना भूलें, वरन अपने बच्चों को भी, नाती पोतों को भी सिखाएं। कई बार हम भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए कामों को हम नज़रअंदाज करते हैं, उनको उनकी गंभीरता को समझते नहीं। जो आंख परमेश्वर के कामों को ध्यान से देखती है वही परमेश्वर के स्वभावों को समझ सकता है। जब हम परमेश्वर के मार्गों को त्यागते हैं, हमारे पैर परमेश्वर के रास्तों से भटक जाते हैं। ध्यान रखें, माँ बाप के तौर पर हमें परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है कि हमने अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्तों के बारे में जो हमने सीखा है उन्हें सिखाएं। कई बार हम ये जिम्मेवारी दूसरों को सौंप देते हैं, जैसे संडे स्कूल का टीचर हुआ या प्रभु के दास दासी हुए, उनके हाथ में सौंप देते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर ने जो संतान हमें दिए उनका सबसे बहुमूल्य समय परिवार के साथ बीतता है और यही परिवार में उनका आत्मिक पालन पोषण होना है, तभी वो परिवार विश्वास में बढ़ पाएगा। और जब हम परमेश्वर के किए काम अपने बच्चों को सिखाते हैं और उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारा विश्वास भी उसके साथ साथ बढ़ता है। सो आइए हम प्रभु से सहायता मांगे कि हम परमेश्वर के छोटे छोटे कामों को भी ध्यान दे सकें और जीवन में और जिम्मेवारी के साथ चल सकें, और इन बातों से हम सीखें और अपनी पीढ़ियों को भी सिखा सकें कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। आपने हमारे जीवन में कितने अजीब और अचंभे काम किए, आपने हमें कितना कुछ सिखाया, लेकिन कई बार सुस्त और लापरवाह होने के कारण हम सबक नहीं सीखे। लेकिन प्रभु विनती करते हैं, हमें वो आंखें दे कि हम आपके हर एक काम की बारीकियों को देखें, समझें और जिम्मेवार बन सके और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, और आपके किए भलाइयों को हम अपनी पीढ़ियों को भी सिखाएं ताकि वो भी आप पर भरोसा कर सके। हमें अपने जीवन के प्रति और गंभीर होने के लिए सहायता करें प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में कितने अजीब काम किए, आइए उन एक एक बातों को ध्यान दें, सीखे समझे और अपनी पीढ़ियों को भी सिखाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, हम तैयार हो जाएं। मारा ना था।